हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हो कि आप सब अच्छे और सही सलामत होंगे। आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम अजय देवगन की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ये मूवी आने वाला है डिज्नी प्लस के हॉटस्टार में 13 अगस्त को। आज हम इस वीडियो में इसी ट्रेलर का ब्रेकडाउन करेंगे और जानेंगे कि इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा और उसके साथ इससे जुड़ी कुछ बातें भी हम करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज काइंडली पहले जाके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ पास का जो घंटे का बटन है उसको भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए। फिल्म में आपको अजय देवगन, संजय दत्त, शरद केलकर, सोनाक्षी सिन्हा, नोरा फतेही, प्रणीता एंड एमी विर्क जैसे बहुत से और भी कास्ट देखने को मिल जाएंगे। ये एक इंडियन पीरियड ड्रामा वार मूवी है। ये मूवी बेस होने वाला है 1971 की इंडो पाक वार के ऊपर। इसी वार के दौरान 8 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने गुजरात के भुज एयरबेस में नेपलम बोम गिरा के पूरे एयरबेस और रनवे को तबाह कर दिया था। और क्योंकि एयरबेस तबाह हो गया था तो इसी वजह से पाकिस्तान बहुत ही आसानी से भारत के अंदर घुस के भारत के ऊपर हमला कर सकता है। उस टाइम में भुज एयरबेस के कमांडर थे स्क्वाड्रन लीडर विजय कुमार कार्निक, जिनका रोल प्ले कर रहे हैं इस मूवी में अजय देवगन। उसी समय स्क्वाड्रन लीडर विजय कुमार कार्निक के नेतृत्व में भुज एयरबेस का पास का गांव मदापर से 300 महिलाओं ने मिलकर सिर्फ और सिर्फ 72 घंटों के अंदर उस एयरबेस को और उसके रनवे को पूरी तरह से रिकॉन्स्ट्रक्ट किया था, जिससे कि भारत को बहुत ज्यादा मदद मिली थी 1971 के वार को जीतने में। सर रियली अ प्राउड मूवमेंट फॉर अस। ये कहानी एक एग्जाम्पल है हमारे भारत देश के एकता का। इसी चीज को फिल्म में दिखाया जाएगा, वो भी लाइव एक्शन। ट्रेलर में कुछ जगह में वीएफएक्स का जो वर्क है वो थोड़ा डाउन लगा मुझे। अगर उसको सुधार करके फिल्म में हमें प्रेजेंट किया गया तो इट विल बी अ ऑसम मूवी फॉर अस। मुझे पर्सनली इस टाइप की मूवी देखना बहुत ज्यादा पसंद है। केसरी हो गया, तान्हा जी, लगन जैसे और भी कई सारे ऐसे फिल्म हैं जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये हमारे हिस्ट्री के, हमारे जो गर्व की बात है, उन सारे चीजों को लाइव एक्शन से हमें दिखाया जाता है और भी बहुत अच्छा ढंग से हमें दिखाया जाता है, जो हमें हमारे पुराने दिन बारे में बताता है। ट्रेलर को देख के मुझे तो ये अंदाजा हो गया है कि अजय देवगन, संजय दत्त और शरद केलकर का परफॉर्मेंस कितना बढ़िया होने वाला है। अब बस देखना है कि बाकियों का परफॉर्मेंस कैसा होता है। इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगा, नोरा फतेही जो किसी भी फिल्म में आइटम सॉन्ग करती है या फिर कोई बकवासी रोल उनको दिया जाता है, इस फिल्म में वो पाकिस्तानी जासूस का यानी एक सीरियस रोल का प्ले करने वाली है। तो ये देखना बनता है बॉस कि वो कैसे उसको हमारे सामने प्रेजेंट कर पाती है। नथिंग टू से अबाउट सोनाक्षी सिन्हा, क्योंकि मैं उनके परफॉर्मेंस के बारे में मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि ट्रेलर में उनका परफॉर्मेंस उतना ज्यादा हमें दिखाया नहीं गया। तो इसी वजह से फिल्म आने के बाद उनका परफॉर्मेंस मैं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। इस फिल्म को 14 अगस्त थिएटर में रिलीज करना था लेकिन कोविड का जो सिचुएशन है वो उतना अच्छा नहीं है भारत में यानी इंडिया में, सो ये कुछ अच्छा शायद काम ना कर पाए थिएटर में। तो इसी वजह से इसको 13 अगस्त को डिज्नी प्लस हॉटस्टार में रिलीज किया जा रहा है। भाई साहब, इसको देखना बनता है, एकदम कंफर्मली बनता है, क्योंकि इस टाइप की मूवी ज्यादातर हमें देखने को नहीं मिलती। अजय देवगन इन दिस टाइम, अभी का जो टाइम पीरियड चल रहा है अभी 2-3 सालों से, अजय देवगन की मूवी आंख बंद करके आप यकीन कर सकते हो कि उसमें वीएफएक्स वर्क, कैमरा वर्क, डायरेक्शन, परफॉर्मेंस, स्टोरी, ये पांचों एलिमेंट जबरदस्त होगा, कंफर्म। उनका जो तानाजी फिल्म आया था, इट्स अ मास्टरमाइंड मूवी। क्या वीएफएक्स, क्या कैमरा वर्क, क्या परफॉर्मेंस उसमें देखने को मिला है, लाजवाब। और इसमें भी हमें देखने को मिलने वाला है, अगर मैं सही हुआ तो, जितना ट्रेलर को देख के लगा है। हाँ, कुछ जगह में वीएफएक्स का वर्क थोड़ा डाउन है जो मैंने पहले ही बताया है, अगर उसको ठीक कर दिया जाए तो इट्स अ सचमुच आउटस्टैंडिंग मूवी। 2021 के अभी तक का सबसे बढ़िया मूवी होगा ये। सो गाइस, आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दो और अच्छा लगा है तो मेरा ये काम, तो मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और उसके साथ पास का जो घंटी का बटन है उसको भी दबा दो ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए।
तो फिर मिलेगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, बी सेफ एंड जय हिंद।